पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी करने पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि कमलनाथ ने गलत बोला। चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि बयान आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा कि ये बयान उनका वाटरलू साबित होगा। कांग्रेस विधायकों को तोड़ने को लेकर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं, लेकिन हमें ओवरलोड नहीं होना है। उपचुनाव में हम सभी 28 सीटें जीतेंगे। ये तो तय हो गया कि कमलनाथ जी ने गलत बोला था। वो जो स्पष्टीकरण दे रहे थे कि लोकसभा में आइटम कहते हैं, विधानसभा में आइटम कहते हैं, अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि वो आपत्तिजनक, महिला आयोग ने कह दिया आपत्तिजनक, राहुल गांधी ने कह दिया आपत्तिजनक, माणक अग्रवाल ने कह दिया कि माफी मांगनी चाहिए। अब और किससे कहलवाना है? ये बयान उनका वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के लिए। कमलनाथ जी पुनः वैसी ही गलतियां कर रहे हैं जैसी गलती वो पहले कर गए हैं सड़क पे आ जाओ वाली, और इसलिए मैंने बताया कि कांग्रेस के लिए ये बयान वाटरलू साबित होगा। एक बात और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा था कि जो अभी हमने COVID-19 के तहत मुलाकातें जेल में बंद कर दी थी, अब चूंकि जैसा आप सबने बताया है तो अब हम जो हमारे 45,000 बंदी हैं, त्योहारों का समय है, 1 तारीख से उनसे जो जेल में मिलाई होती थी, जो प्रधानमंत्री जी ने सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों के साथ में सभी लोग अब अपने परिजनों से भेंट कर सकेंगे। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है, बीजेपी 114 पहले से ही है, एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना है। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते। हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है।